तो कल हमने बात करी थी बॉडी फ्लूड की। तो क्या होता है बॉडी फ्लूड? बॉडी फ्लूड होता है टोटल वेट का 60%। क्या कहलाता है? बॉडी फ्लूड। सपोज किसी पर्सन का वेट 100 kg है, तो उसका बॉडी वेट कितना होगा, बॉडी फ्लूड कितना होगा? 60 kg। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमने बात करी थी, ये बॉडी फ्लूड दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूड, जो कि सेल्स के अंदर होता है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, 38%। दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, दिस कंस्टिट्यूट 22% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो इन दोनों को मिला के ही हमारा टोटल बॉडी फ्लूड जो कि कितना होता है, 60% बनता है। 60%। दोबारा एक बार समझ लेते हैं, मैंने बोला टोटल वेट का 60% होता है हमारा बॉडी फ्लूड। जैसे 100 kg के पर्सन में 60 kg क्या होगा, उसका बॉडी फ्लूड होगा। अब ये बॉडी फ्लूड दो तरीके का होता है, एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूड, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूड कंस्टिट्यूएंट 38%, तो ज़्यादा मात्रा में होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूड। द सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, दिस कंस्टिट्यूएंट 22% ऑफ टोटल बॉडी वेट। सो टोटल बॉडी फ्लूड इन अ अडल्ट इज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अडल्ट ओनली, ओके, इज 60%। नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द ICF? तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज इफ अ पेशेंट वेट और पर्सन्स वेट 60 kg, तो फाइंड आउट टोटल बॉडी फ्लूड, इंट्रा सेलुलर फ्लूड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट टोटल बॉडी फ्लूड, हाउ वी कैन फाइंड आउट द टोटल बॉडी फ्लूड। सो द सिंपल फॉर्मूला, वेट ऑफ द पेशेंट इनटू परसेंटेज वट एवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो देयर इज टोटल बॉडी फ्लूड अपॉन 100। तो टोटल वेट इज 60 kg, परसेंटेज टोटल बॉडी फ्लूड कितना होता है, 60% होता है, अपॉन 100 कर देंगे तो 1020 से 20 गया हमारा, तो कितना आ गया, 36 kg। सिंपल। तो टोटल बॉडी फ्लूड इज 60 kg, पेशेंट इज 36 kg। द सेकेंड वन इज ICF। So how we can find out the ICF? ICF. So formula is same, weight into percentage upon 100, but total weight into percentage of what we are going to find out, ICF. So how much percentage? 38 upon 100. Percentage ko hata denge upon 100. So 0 to 0. 38 6 था 228 अपॉन 10। सो आफ्टर डिवाइडेशन 22.8 kg, इट इज ICF। द लास्ट वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। फॉर्मूला इज सेम, 60 kg पर्सन, परसेंटेज ऑफ ECF इज 22 अपॉन 100। सिंपल, 22 होता है ना, ECF निकाल रहे हैं तो ECF होता है 22। तो 22 अपॉन 100, 0 to 0, 22 6 13 20 अपॉन 10। सो द आंसर इज 13.2
केजी। तो हमने देखा टोटल बॉडी फ्लूड हम निकालेंगे तो टोटल बॉडी फ्लूड और किसी भी फ्लूड को निकालने का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, वेट इंटू परसेंटेज अपॉन 100। सिंपल फॉर्मूला है, टोटल वेट कितना दिया गया है आपको, कौन सा फ्लूड निकाल लें उसका परसेंटेज कितना होता है। जैसे अगर टोटल बॉडी फ्लूड निकाल लें तो टोटल बॉडी फ्लूड होता है 60, तो 60 इंटू 60 अपॉन 100, सेम फॉर्मूला 36 kg। तो टोटल बॉडी फ्लूड आ गया हमारा 36%। द सेकेंड वन इज इंट्रासेलुलर फ्लूड, तो इंट्रासेलुलर फ्लूड इज 38%। 38% तो 60 kg के पर्सन में 38% है इंट्रासेलुलर फ्लूड, तो निकाल लिया तो आ गया 22.8 kg। द लास्ट वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड इन ह्यूमन बॉडी इज 22%। तो 60 kg पर्सन इंटू 22 अपॉन 100 निकाल लिया तो 13.2 kg।